बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो करेले को ग्रो करने पर होगी। करेले के सीड अमूमी तौर पर अगर हम रेक्ट सॉइल में लगाएं तो उसकी जर्मिनेशन काफ़ी कम होती है। ये जो मैं तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें जर्मिनेशन रेट काफ़ी हाई है। इसमें सबसे पहले आपने जो सीड सेलेक्ट करने हैं वो फ्रेश होने चाहिए। सीड को आपने पानी में 24 घंटे के लिए भिगो देना है। करेले के सीड को ग्रो करने का बेहतरीन मौसम फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाता है और आनवर्ड चलता रहता है तकरीबन मई तक। फिर टिश्यू पेपर को मॉइस्ट कर लेना है। मॉइस्ट करने के बाद टिश्यू पेपर को बहुत ज़्यादा आपने गीला नहीं करना। उसके बाद सीड इसमें रख देने हैं और कंटेनर को ऊपर से बंद करके रूम टेम्परेचर पर रख देना है। आफ्टर 5 डेज रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें अब आपने ऐसा करना है कि इन सीड को एहतियात के साथ निकाल लेना है ताकि किसी की भी रूट्स डैमेज ना हो। फिर इन सीड को एक कंटेनर में पॉटिंग सॉइल को आपने मिक्स कर लेना है और फिर सीड्स को उसके अंदर एहतियात से के साथ लगा देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और फिर पानी लगाकर सायेदार जगह पर रख देना है। आफ्टर 20 डेज रिज़ल्ट आपके सामने है। सीडलिंग काफ़ी हद तक निकल आई है और पौधे तैयार हो गए हैं। जब 3 से 4 ट्रू लीफ निकाल लें तो फिर आपने इसको शिफ्ट कर देना है इंडिविजुअल पार्ट के अंदर।